भरोसा ये दिलाया सरकार बनने पर उनकी आय दोगुनी हो जाएगी। दोगुनी आय तो नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, खेती और किसान घाटे में चला गया, बड़े पैमाने पर नौकरियां चली गई, रोजगार नहीं है, बेरोजगार है नौजवान, और महंगाई इतनी बढ़ी है कि आज मोटरसाइकिल चलाने वाला भी तकलीफ और परेशानी में है। और कहां भारतीय जनता पार्टी ने सपना दिखाया था कि चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठ करके चलेंगे, और जो कीमत बढ़ रही है मोटरसाइकिल नहीं चल पाएगी। तो महंगाई है, बेरोजगारी है, और तब जब देश के प्रधानमंत्री यूपी से हैं, देश के राष्ट्रपति यूपी से हैं, देश के रक्षा मंत्री यूपी से हैं, सबसे ज़्यादा लोकसभा जीते, सबसे ज़्यादा विधानसभा जीते, और जनता क्या दे सकती थी। तो लोकतंत्र में जब इतना सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी को, तो इस बार वही जनता सवाल करेगी और इनका सफाया भी करेगी। सर, आपने कहा है किसान इनकलाब लाएगा, 2022 में बदलाव आएगा। किसान के साथ, किसान तो इनकलाब लाएगा ही लाएगा, बेरोजगार भी इनकलाब लाएंगे, और वही बदलाव उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। सर, अयोध्या चर्चा में है, और सलमान खुर्शीद साहब ने अभी जो किताब लिखी उसको लेकर के हिंदुत्व को लेकर के बोको हरम और आतंकी संगठनों से तुलना की। भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है, किस पर बहस चाहती है, ये उनका एजेंडा तय हो जाता है कई चैनलों के माध्यम से, प्रोपेगेंडा में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। किताब में क्या लिखा है मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दूसरों को किसी को हिंदू ही नहीं समझती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से दूर रहिए और देश को बचाइए। सर, न्यूज 24 के कॉन्क्लेव में लखनऊ में आपने बोला था चाचा शिवपाल यादव की नाराजगी दूर होगी, क्षेत्रीय दलों को साथ लेंगे चुनाव में, कुछ आगे बढ़ी है बात? उनका पूरा सम्मान होगा, और जहाँ तक उनके दल के लोगों को एडजस्टमेंट की बात है, वो बहुत जल्दी उसके अभी रास्ता निकाल जाएगा। जिन्ना को लेकर के बहुत सारी बात चल रही है, तो आपके ऊपर भी ये चीज हो गई कि जिन्ना ने देश तोड़ने का काम किया था, तो उसको आप लेकर के क्यों आए? भारत को आजादी कब मिली? कंगना राणावत बहस में नहीं जाना जाता कि देश की आजादी किसने दी। देश की आजादी के लिए न जाने कितने लोगों ने कुर्बानी दी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर के तमाम देश के नेताओं ने उसकी लड़ाई लड़ी है। जहां तक सवाल हमारे साथी पूछ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के तो आइकॉन हो सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के तो हो सकते हैं, लेकिन देश के नहीं, किसी के नहीं हो सकते हैं। और फिर उन्हीं के नेता ने जो किताब लिखी थी, और उन्हीं के नेता ने जो लिखा था, वो क्या लिखा था, कभी भारतीय जनता पार्टी इस बात को बताएगी कि नहीं बताएगी? भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले दूसरों से सवाल पूछने से पहले अपने